हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एस जी फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एस जी फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम 7 सेमेस्टर के वीडियोस स्टार्ट कर दिए थे, तो आज हम लेके आए हैं फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट आपका 7 सेमेस्टर का, जिसका कोड है BP703T। इसमें हम बात करेंगे फ्रेंड्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो फ्रेंड, इसके पहले हमने 7 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में वीडियो अपलोड किया था। फिर उसके बाद हमने ये बताया था कि हम पहले हर अलग अलग यूनिट को सेपरेट ना पढ़ के सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं और उसमें कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया है 2 सब्जेक्ट का, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है एंड एनडीडीएस है, मीन्स नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एंड ऊपर आई बटन पे भी आपको सिलेबस के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, आपको इस सेमेस्टर के सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको इससे रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फार्मेसी प्रैक्टिस की, सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स आता है इसमें फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मल फार्मेसी की अगर डिफिनेशन की बात करें तो आप जानते हैं फार्मेसी किसे कहते हैं। ये फार्मेसी क्या है? एक आर्ट ऑफ साइंस है, ठीक फ्रेंड्स, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग की डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग एंड प्रैक्टिस एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन सब बारे में हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम पिछले सेमेस्टर में बात करें तो आप अभी तक देख रहे थे आप ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि उसको कैसे बनाया जा सकता है, उसके कौन कौन से फॉर्म हैं, किन किन फॉर्म में हमारे ड्रग पाए जाते हैं, उसको बनाया कैसे जाता है, कौन कौन से मशीन यूज किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, उसका प्रैक्टिस हमें आप पढ़ेंगे कि उसका यूज कहाँ कहाँ किया जा रहा है, मतलब उसकी प्रैक्टिस, इस फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। मीन्स हॉस्पिटल में हमने जाए हैं तो क्या कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं ड्रग का, ठीक फ्रेंड, इन सब बारे में हम इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको 2 चीज़ मिलेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का हर यूनिट का एंड उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे एंड इंपॉर्टेंट यूनिट भी बताएंगे, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले यूनिट की, तो फ्रेंड्स हर बार की तरह, हर सेमेस्टर की तरह, हर सब्जेक्ट की तरह इसमें भी आपको 5 यूनिट मिलेंगे। और अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा यूनिट है फ्रेंड्स, वो है हमारा यूनिट 1st एंड 2nd। फ्रेंड्स, इस दोनों यूनिट से कम 40% क्वेश्चन इसी दोनों यूनिट से मिल के आ जाते हैं, ठीक फ्रेंड्स, 40 कभी 50% भी हो जाता है। तो 1st एंड 2nd यूनिट हमारा, अगर हमारी बात अगर आप माने तो इसको आप कंप्लीट तैयार कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, 1st एंड 2nd आप कंप्लीट तैयार कर लीजिए, ठीक फ्रेंड्स, 1st एंड 2nd। और बाकी 3rd, 4th एंड 5th आप 2 नंबर के लिए, आप शॉर्ट के लिए आप देख सकते हैं नॉर्मल, ठीक फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे सब सेपरेट यूनिट की, कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है एंड कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हम फिर यूनिट 1st की बात की, हमने कहा कि यूनिट 1st में आप कंप्लीट देख लीजिए, अगर आप फिर भी कंप्लीट नहीं देख पा रहे हैं तो फ्रेंड्स इसमें आपको 4 टॉपिक मिलेंगे आपको देखने को, ठीक फ्रेंड्स, हम आपको सिलेबस में भी यहाँ दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आपका यूनिट 1st की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जो ब्लैक से लिखे गए हैं, डार्क ब्लैक से, ठीक फ्रेंड्स, ये टॉपिक हैं आपके 4। तो कौन कौन से हुआ फ्रेंड्स, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड 2nd है हॉस्पिटल, फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एंड नेक्स्ट आपका कम्युनिटी फार्मेसी। ये 4 टॉपिक आपको यूनिट 1st में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, तो फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग जो 3 टॉपिक है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। कौन कौन से? हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, एंड हॉस्पिटल, फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन में पूछे गए हैं, एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कौन सा? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसके बारे में आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ भी चुके होंगे, जिसमें इसमें आपका क्या क्या आते हैं, एलर्जेंस आते हैं, ड्रग रिएक्शन आते हैं, जैसे आपका टॉलरेंस हो गया, आइडियोसिंक्रेसी हो गया, ठीक फ्रेंड्स, ये सब टॉपिक आपको हम दिखा दें सिलेबस में, कौन कौन से टॉपिक जो आप पढ़े होंगे, जैसे आपका एलर्जिक ड्रग रिएक्शन हो गया, ठीक फ्रेंड्स, और आपका इसमें क्या आप ड्रग इंटरेक्शन आप पढ़े होंगे, तो टॉक्सिसिटी आप पढ़े होंगे, तो ये सब पिछले सेमेस्टर जो आप पढ़े होंगे बस उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया। तो फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन,
ठीक फ्रेंड्स, अब हम यूनिट सेकंड की बात करें। और फ्रेंड्स कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, आप इसको जनरली आप देख सकते हैं दो नंबर के लिए। अब यूनिट सेकंड की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यूनिट सेकंड में आपके छः टॉपिक हैं टोटल। कितने टॉपिक हैं फ्रेंड्स? छः टॉपिक हैं। लेकिन वैसे तो हम बताएं यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड, आप अगर टाइम है तो आप कंप्लीट देख लीजिए, लेकिन अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्टार्टिंग के तीन टॉपिक आप देखिए एंड लास्ट वाला टॉपिक आप जरूर जरूर इसको देखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें हमने टिक किया है इसको आप नेसेसरी आप देखिएगा। कौन कौन सा? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल फार्मूलरी, तीसरा थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एंड लास्ट ये कौन सा है आपका, लास्ट कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। ठीक फ्रेंड्स, ये चार टॉपिक आप जरूर से जरूर देखिएगा। बाकी आप शॉर्ट के लिए इसमें इससे आप शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं मेडिकेशन एडवेंस में एंड पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू में। ठीक फ्रेंड्स, ये आपका था यूनिट सेकेंड का आपका। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके यूनिट थर्ड की। तो फ्रेंड्स यूनिट थर्ड में अगर हम बात करें तो यूनिट थर्ड में आपको यहाँ पे पांच टॉपिक देखने को मिलेंगे। यूनिट थर्ड में आपको कौन से पांच टॉपिक देखने को मिलेंगे? कौन कौन सा आपका है? फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कम्युनिटी, दूसरा है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस, तीसरा है पेशेंट काउंसलिंग, चौथा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल एंड लास्ट है प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक फ्रेंड्स, अब यूनिट थर्ड में अगर इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा टॉपिक किस टॉपिक से पूछे गए हैं तो वो है आपका स्टार्टिंग के तीनों, स्टार्टिंग जो तीनों टॉपिक हैं इससे सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, और बाकी जो टॉपिक हैं इसको आप शॉर्ट में आप दो नंबर के लिए आप देख सकते हैं। अब यूनिट फोर्थ की बात करें फ्रेंड्स, हम बताएं यूनिट फर्स्ट आपका, यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको यूनिट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यूनिट फोर कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यूनिट बहुत फोर बहुत ही शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट यूनिट है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपके कम से कम एक खुद दस नंबर के या सात नंबर के दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आपका यूनिट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके बारे में आप पिछले सेमेस्टर में आप थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में आप जानते होंगे, इसमें आपको डिटेल्स में जानना होगा। उसके बाद है ओवर द काउंटर, जिसको OTC सेल बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। अब लास्ट यूनिट है फ्रेंड्स आपका यूनिट फिफ्थ, इसमें आपका एक ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा? ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। ठीक फ्रेंड्स, एंड बाकी दो टॉपिक और है इसको आप शॉर्ट में देख सकते हैं। कौन कौन सा? इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक फ्रेंड्स, तो आप यूनिट फिफ्थ में आप ये वाला टॉपिक जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने जितने भी चीज़ के ऊपर रेट मार्क लगाया है ऐसे, वो आप जरूर से जरूर देखिएगा, चाहे यूनिट की बात हो चाहे टॉपिक की बात हो। अगर आप इतना देख लेते हैं फ्रेंड्स, हम निश्चित ये कह रहे हैं कि आपका 50% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस का जनरल इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इस ये आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे सिलेबस भी आपको मिल जाएगा जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।